हाँ जी नमस्कार, राधे राधे हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पर बात करेंगे मीन लग्न और मीन राशि के जातकों के लिए। मतलब आप जब पैदा हो रहे थे उसमें पूर्वी क्षितिज पे मीन राशि थी, मीन राशि उदित हो रही थी, तो आपका मीन लग्न है। यदि आपके चंद्र महाराज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, उत्तर भाद्रपद में, अरेवती नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आपकी मीन राशि है। तो मीन लग्न और मीन राशि पे गुरु राहु की जो युति है उसका नाम है चांडाल योग। बन रहे हैं चांडाल दोष या चांडाल योग। क्या बनेंगे आपके कुंडली में, चांडाल योग या चांडाल दोष, ये जानना आपके लिए अत्यंत जरूरी है। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आज कृपया सब्सक्राइब करें। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी ज्योतिष जगत में वो चैनल है जो ज्योतिष के मूलभूत आधार सिद्धांतों पर बात करता है, अर्थात नक्षत्रों पर बात करता है। ज्योतिष वेद का नेत्र है लेकिन नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं, और बिना नेत्र का खुद भटके हुए हैं औरों को भी भटकाएंगे। तो इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मीन लगन मीन राशि, गुरु शनि बुध तीन नक्षत्रों की शक्ति को लेकर चलने वाले आप लोग। ये पैकिंग की राशि है। देखिए पूर्व भाद्रपद पैकिंग का नक्षत्र है, उत्तर भाद्रपद पैकिंग का नक्षत्र है, रेवती कामनाओं की पूर्ति का धनदायक नक्षत्र है, तो ये मुक्ति का नक्षत्र है। मुक्ति की बात होती है इस राशि में, इस लगन में। आपके सेकंड हाउस में राहु गुरु इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठा होंगे राहु गुरु। कर्मा का स्वामी अपने से पांचवें, लगन का स्वामी अपने से द्वितीय में। यहाँ पे थोड़ी सी नकारात्मक चीज़ें आएंगी लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें आएंगी, थोड़ी सी नकारात्मक और ज़्यादा सकारात्मक। तो ज़िंदगी में क्या हो गया जाएगा, ज़्यादा सकारात्मक पॉइंट ही ज़्यादा आएंगे नकारात्मक की अपेक्षा। नकारात्मक क्या आएगा, क्योंकि देखिए द्वादश भाव में शनि महाराज एक्टिव हैं, द्वादश में एक्टिव हैं, राहु के नक्षत्र में एक्टिव हैं, और राहु पे शनि की तृतीय दृष्टि है, तो निजत्व में किसी व्यक्ति को परेशानी आ रही है। तो आपके परिवार में किसी व्यक्ति को परेशानी आ रही है, वो आपके अपने बच्चे हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, घर में कोई कुटुंब, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी अवस्था ज़्यादा हो गई हो, क्योंकि शनि ज़्यादा अवस्था वाले व्यक्ति को दर्शाता है। तो जिसकी अवस्था ज़्यादा हो गई हो ऐसा व्यक्ति शारीरिक पीड़ा मानसिक पीड़ा से जाएगा, हॉस्पिटल का चक्कर उसे लगाना पड़ेगा, अतः आपको यहाँ से थोड़ा सा कष्ट देगा। ध्यातव्य रहे कि मंगल की मेष राशि में है। कहाँ पे बन रहे हैं भाई, लड़ाई भी हो रही है ना, संघर्ष हो रहा है, तो हो कहाँ रहा है, आपके आंगन में हो रहा है। आप विजयी होंगे क्योंकि स्थान बल आपको मिल जाएगा, दिशा बल आपको मिल जाएगा, चेष्टा बल भी आपको मिल जाएगा, तो हर तरह के बल आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मंगल की मेष राशि में, मंगल क्या है इस कुंडली में, द्वितीयेश हैं और नौमेश हैं, भाग्य के स्वामी, धन के स्वामी। अतः गुरु राहु को बोलेंगे बेटा क्या कर रहे हो, धन की व्यवस्था करो, धन लाओ। लेकिन सुनने में बहुत आसान है, क्या एक्चुअल में होगा। गुरु अस्त होके द्वितीय भाव में जा रहे हैं। अस्त किससे हैं, छठवें भाव के स्वामी सूर्य से अस्त हैं, अतः स्टार्टिंग में धन का नाश होगा। वर्ड बिल्कुल क्लियर समय यूज़ कर रहा हूँ, धन का नाश होगा। नाश होने का मतलब बेवजह खर्च होगा। कहाँ खर्च होगा, हॉस्पिटल में खर्च होगा, मुकदमेबाजी पर खर्च होगा, डॉक्टर कहीं ना कहीं आपके साथ ज़्यादा पैसा ले लेंगे, आपके अपने कीमती सामान गिर सकते हैं। कब तक होगा, तो भैया ये पूरा समय आपकी कुंडली में 15 मई तक होगा। कब तक, 15 मई तक संभल कर रहिए। 15 मई के बाद रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। 15 मई के बाद जो चांडाल दोष है वो चांडाल योग में बदलना शुरू हो जाएगा, और फिर ये जून 21 जून तक योग में आ जाएगा, और उसके बाद आपको बिछड़े हुए या भूले हुए जो पैसे हैं, जो मिल नहीं रहे, तो उसमें लाभ होगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा। किससे लाभ होगा, शेयर मार्केट से। लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी महादशा क्या चल रही है इस समय। अगर महादशा आपकी शुभ चल रही है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल मिलेगा, नहीं तो शनि महाराज द्वादश भाव में एक्टिव हैं और द्वादश भाव में वो राहु के सतविशा नक्षत्र में एक्टिव हैं और वो खर्च कराने की प्रतिकृत संकल्प है। तो इसलिए महादशांतर दशा को देख लीजिएगा, अगर सही चल रही है तो इस समय शेयर मार्केट से धुआंधार पैसा कमाओगे, अक्टूबर तक काफ़ी मात्रा में पैसा कमा लोगे। अगर दशा शुभ नहीं है, महादशांतर दशा देख के बात कर रहा हूँ, अगर शुभ नहीं है
तो घर की जमा पूंजी भी गंवा दोगे। फिर घर को लगी है आग घर के चिराग से। आपके घर में आग है, उसको आप यूज़ करके खाना बना सकते हो। गलत ढंग से अगर आपने प्रयोग किया तो घर में आग लग जाएगी, घर का सारा सामान स्वाहा हो जाएगा। वे आप टॉकिंग आपकी ख़राब होगी, वाणी ख़राब होगी, नशा करने की प्रवृत्ति हो जाएगी। देखिए, अगर आप इन प्रवृत्तियों पे अवरोध लगा सके, इन प्रवृत्तियों पे यदि आप अवरोध लगा सके तो डेफिनेटली यह चांडाल योग में कन्वर्ट होगा। अगर इन प्रवृत्तियों पे आप अवरोध नहीं लगा सके तो यह चांडाल दोष में कन्वर्ट हो जाएगा। लिख के रख लीजिए। मान लीजिए आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, सिगरेट पीना शुरू कर दिया आपने, कभी कभी छोटा पैग लेना शुरू कर दिया आपने। इमिडिएटली कोई दोस्त आपका खाता है तो बोलता है, यार मटन खाने से क्या दिक्कत है, चलो बिरयानी खिलाते हैं, टेस्ट करना। आपका गुरु राहु के अंडर कस्टडी में चला जाएगा, चंडाल दोष कन्वर्ट कर देगा और फिर आप यहाँ लुटा बैठेंगे। पहले तो अच्छा लगेगा, पहले तो लोग फ्री में बिरयानी खिलाएंगे, फ्री में पैक पिलाएंगे, बाद में नहीं पिलाएंगे मित्र, बिगाड़ना सरल है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि दोष ना कन्वर्ट होने पाए, योग ही कन्वर्ट हो। चलिए, आपके लिए मंगलमय शुभकामना। योग को कन्वर्ट करने के लिए मंगल को मजबूत करके रखिए, गुरु को मजबूत करके रखिए, शेष शुभ परिणाम मिलेगा आपको। राहु के मंत्रों का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। दुर्गा जी की आराधना उपासना करना भी आपके लिए कल्याणकारी हितकारी होगा। राधे राधे।